भाईजान चारारी गांव में आयोजित इस जन मिलन कार्यक्रम में हमारे और आपके बीच बिना किसी प्रकार का कोई परिचय कराए, क्योंकि परिचय उनका होता है जो बाहरी होते हैं, घर के मेंबर का कोई परिचय नहीं होता। आदरणीय झीन बाबू जी हमारे आपके घर के सदस्य हैं, किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम किसी के चाचा हैं, किसी के पिता समान हैं, तो किसी के भाई समान हैं। हमारे और आपके घर के सदस्य हैं। आप सब लोग भारी संख्या में आए हैं, हमारे बीच में नारी शक्ति भी मौजूद है, महिलाएं भी हैं। निश्चित रूप से आप विधायक जी को सुनने आए हैं, और विधायक जी आप सबसे मुलाकात करने, आपका हाल जानने। सबसे पहले हम विधायक जी की तरफ से भी आप सभी से माफी चाहते हैं, जो विलंब हुआ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, किसानों की समस्याओं को लेकर के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कार्यक्रम निर्धारित किया है, सेवता विधानसभा क्षेत्र में वह कार्यक्रम 8 तारीख को संपन्न होना है, मारू महर चौराहे से। कार्यक्रम कहां से शुरू होगा, कितने बजे से, आदरणीय बाबू जी अभी आपके बीच रखेंगे विस्तृत चर्चा कार्यक्रम की। उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु जो बैठक बुलाई गई थी, उसके उस लिए उसकी वजह से हम लोग थोड़ा देरी से आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। हम सेवता विधानसभा से 4 बार लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके, और 5वीं बार आने वाले 2022 के चुनाव में प्रतिनिधित्व हमारा और आपका इस विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा लखनऊ में करेंगे। आदरणीय मोहन कुमार सिंह भीम बाबू जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और लोगों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मुखातिब हों। आदरणीय मोहन कुमार सिंह जी, के कारण हम नहीं आ पाए थे। आज की तारीख हमने ही जीत लिया आने के लिए। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, और हमारा ये क्रम लगभग निरंतर चल रहा है। हम लोगों का पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ से लोगों की इच्छा है, वहाँ वहाँ हम लोग जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चालारी गांव में आए, यहाँ आए हुए सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम और आदाब करता हूँ। जो हमारे माताएं बहनें यहाँ हैं, उनको नमन करता हूँ। और हमारे जो छोटे भतीजे समान या भाई समान हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आशीर्वाद। भैया ने बता ही दिया, अब इनको रिजवान भाई भी कहते हैं, हमको मतलब थोड़ा सा झेप लगती है, कहा कि हमारे भतीजे हैं, ये हमको चाचू कहते हैं, तो हम कहते हैं इनको, कहते हैं रिजवान भाई, तो रिजवाने कहेंगे इनको। पारिवारिक संबंध के हैं ये हमारे, आज के नहीं, बाबा पर बाबा से इनके और हमारे संबंध चले आ रहे हैं ग्वारी के। तो आप लोगों का भी वही है, जब से राजनीति में आया हूँ तब से चालारी से तो विशेष लगाव ही रहा है। कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे जब से पद पर नहीं रहा उसके बाद भी, जिस चुनाव में जिसकी भी मदद हम लोगों ने की है, वो आपने हमेशा जिता कर यहाँ से भेजा है। अब उसकी किस्मत प्रत्याशी की कि वो जीते या न जीते, हार जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से किया, और जिसकी मदद की उसको जिता कर भेजा यहाँ के लोगों ने। इसके लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ।
हम लोगों का जो मिशन है इसलिए है कि जब राजा कमजोर हो जाता है या राजा बेईमान हो जाता है तो प्रजा को उठकर खड़ा हो जाना पड़ता है। अब आजकल की जो कि हमको आपको कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद हो, बल्कि उल्टे प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, कहीं भी जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। हमारे चचापुर प्रधान जी के लड़के, कोई सुनवाई कहीं पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग भी घर में बैठ जाएंगे तो आपको तो ये लगेगा कि हम लोग अनाथ हो गए, हम लोगों का कोई सहारा नहीं रह गया। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ यही कहता हूँ और यहाँ भी वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अनाथ मत समझिएगा। आप मजबूत हो, मजबूर नहीं हो, आप मजबूत हो और आपकी ताकत एकता में है। इस एकता को बनाए रखना, जो यहाँ तस्वीर दिखाई दे रही है, आप इस एकता को बनाए रखेंगे तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं हमको पता चला कुछ जगहों पे पोस्टर बैनर वगैरह उतारे गए, क्या किया गया पता नहीं, कुछ तमाम जगह हुआ, लेकिन उनको हमने फिर लगवा दिया। और इस बात में आप लोग कहीं अपने को कमज़ोर मत समझिए, आपके पीछे नहीं बल्कि हम लोग आपके आगे हैं, आप पीछे बने रहिए। जहाँ जरूरत होगी हम लोग आपके आगे आगे नेतृत्व करेंगे, आपका साथ मिलता रहेगा। पीछे घूम कर देखने पर जब हम